सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस पावर को लेकर। रिलायंस पावर में आपको पता होगा अभी कल के दिन कंपनी के रिजल्ट आने हैं 26 तारीख को, लेकिन इसी रिजल्ट्स को लेकर जो अभी कंपनी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है वो आपको बताएंगे डिटेल में। साथ में आप लोग देखोगे मार्केट में बड़ी गिरावट है लेकिन ये स्टॉक अभी भी बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि एक अच्छी बात है अभी। और ये तेजी क्यों बनी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर, इन दोनों में जब से कंपनी की जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर उसने ये अनाउंस किया है कि वो 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रही है डिफेंस के अंदर अगले 10 सालों में, तो ये बहुत बड़ी खबर थी भी। और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर इसका प्रमोटर भी है, तो इन दोनों कंपनी के ऊपर उसका जो भी हमें असर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी खबर आई है मार्केट क्लोजिंग के बाद, देर रात को आई थी रात के टाइम, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे और आगे किस प्रकार से क्या माहौल बन सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी कंपनी ने अनाउंस किया था ना बोर्ड मीटिंग को लेकर, कल इसकी बोर्ड मीटिंग है 26 तारीख को, जहाँ पर कंपनी अपने Q2 के नंबर डिस्क्लोज करने वाली थी, लेकिन अब यहाँ पर जो भी बड़ा चेंजेस हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ न्यूज क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी कंपनी की तरफ से नोटिस पब्लिश किया गया था कल देर रात को, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE की साइट पर आप लोग इसका चेकआउट कर सकते हो। तो पोस्टपोनमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग, यानी कि जो पोस्टपोन बोर्ड मीटिंग है वो हो गया, अभी बोर्ड मीटिंग जो है वो उसको रद्द कर दिया गया है, उसको जो ना अभी अब आगे के लिए सरकार दिया गया है। पहले आप लोग देखोगे इसका जो ना अभी अपडेट आया था, ये देखो 19 तारीख को वी विश टू इन्फॉर्म दैट ड्यू टू लेक ऑफ कोरम ऑन अकाउंट ऑफ अपकमिंग फेस्टिवल सीजन्स, ठीक है, जो ये फेस्टिवल सीजन्स आ रहे हैं इसके चलते द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन सैटरडे 26 अक्टूबर 2024 इंटर आलिया एंड अप्रूव ऑडिट फाइनेंशियल अनऑडिटेड रिजल्ट्स जो आ रहे हैं इसके, वो बहुत स्टैंड लोन एंड कंसोलिडेटेड बेसिस पर ऑफ द क्वार्टर एंड हाफ ईयर एंडेड September 30, 2024 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 हैज बीन पोस्टपोन। तो ये जो रिजल्ट्स कंपनी के आने वाले थे 26 तारीख को, ये पोस्टपोन हो गए भाई, और इसकी जो रिवाइज डेट होगी ना वो कंपनी जल्द से जल्द बता देगी, इन्फॉर्म कर देगी इसके बारे में अलग से, ठीक है। तो ये कंपनी ने बड़ा जो ना अभी जानकारी दी है, कल जो कंपनी के रिजल्ट आने वाले थे वो नहीं आएंगे अभी, अब इसको जो ना अभी पोस्टपोन कर दिया है। तो जैसे इसकी न्यू डेट आएगी निकल कर, ठीक है, जो कोई भी खबरें आएंगी वो आपके साथ हम साझा जरूर करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। अभी मार्केट में गिरावट है, जो अदर स्टॉक्स हैं उनमें बड़ी गिरावट है, ठीक है। हालांकि स्टॉक तो अभी भी पॉजिटिव ही हमें दिखाई दे रहा है, चाहे वो 0.5% हो चाहे वो आधा 1% हो, ठीक है, अभी तो है पॉजिटिव ही ना, तो अच्छी बात है। चलिए एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं भाई, वहाँ पर क्या कुछ आगे के जो सपोर्ट वगैरह वो बन रहे हैं। और अगर आपके पास है, देखो भाई आपको आगे के बारे में सोचना चाहिए, रिजल्ट्स वगैरह कैसे आ रहे हैं कंपनी के, कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है और उसको लॉन्ग टर्म विजन से किस प्रकार से देखा जाए, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी आगे के लिए, ठीक है। चलिए एक देख लेते इसका चार्ट। तो यहाँ पर देखोगे हम देखेंगे इसका वन डे टाइम फ्रेम, और वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देखोगे स्टॉक में एक ब्रेकआउट तो जरूर बने, अभी आज भी स्टॉक में उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले हैं। बट सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो 41 रुपये के आसपास का सपोर्ट भाई, जिसको रिस्क नहीं लेना है उसे पकड़ के चलना पड़ेगा, ठीक है। ओपन हुआ ये तेजी के साथ ऊपर में 44 के आसपास गया था ये, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया अभी ऊपर से, अभी टाइम प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना हुआ है इसके अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतना है, नीचे में आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो देखो भी 41 का सपोर्ट है, और जिसको चलना लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल 2 साल 3 साल, आपने कंपनी के बारे में रिसर्च किया होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, ठीक है, तभी आपने डिसीजन लिया होगा, तो एक अच्छी बात होगी। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। हालांकि स्टॉक में ब्रेकआउट बना हुआ अभी ट्रेंड लाइन का, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, जो कि अच्छी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।